इसी काम के लिए भारत स्वाभिमान अभियान हमने शुरू किया है। ये हमारे अभियान का सबसे प्रमुख उद्देश्य है जिसके लिए ये बना है। आपने स्वामी रामदेव जी का व्याख्यान सुना हो तो बार बार वो कहते हैं भ्रष्टाचार की समाप्ति आर्थिक और राजनीतिक हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। हम चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो, और भ्रष्टाचार के लिए जो लूट हुई है 62 साल, ये लूट का लाभ देश को वापस मिले जिससे देश वंचित हो गया। आप बोलेंगे ये कैसे होगा, क्या ये पैसा वापस आएगा, क्या देश को फिर मिल पाएगा, क्या इससे देश का विकास हो सकता है? आएगा, अगर आप चाहेंगे तो। हमने चाहा है और आपको बताया है, अब आप भी चाह लेंगे तो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? हमारे देश की संसद के पास इस पैसे को वापस लाने की ताकत है, और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के पास भी इस पैसे को वापस लाने की ताकत है। मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूं। आपको याद है एक प्रधानमंत्री हुए, उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। उनके जमाने में एक यूरिया घोटाला हुआ था, मालूम है 133 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट हुआ, यूरिया का एक दाना भी देश में नहीं आया। ये था यूरिया घोटाला, पैसे दे दिए, यूरिया नहीं आया, पेमेंट हो गया, यूरिया नहीं आया। जब जांच हुई तो पता चला कि बहुत बड़ा घोटाला है, और वो 133 करोड़ का जो पेमेंट हुआ वो स्विट्जरलैंड की बैंक में जाके जमा हो गया। हां, तब दिल्ली के हाई कोर्ट में और बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर हुई, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशंस, और उस पर हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि यूरिया के पेमेंट में जो पैसा गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, तो या तो यूरिया आना चाहिए या पैसा वापस आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के 15 दिन के अंदर 133 करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड से भारत में वापस आ गया। हमारा ये कहना है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा आ सकता है तो सभी घोटालों का पैसा आ सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट यूरिया घोटाले के पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकता है तो आजादी के 62 साल में जितने घोटाले हुए हैं सभी के धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देना चाहिए। तो इसको वापस लाने का एक उपाय है कि ये धन राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो जाए। आप बोलेंगे इसमें मामला क्या है? मामला सीधा सा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कुछ कानून है, उनमें से एक ये है कि किसी भी देश का राष्ट्रीय धन दूसरे देश में जमा नहीं हो सकता। ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है, सब देश इसका पालन करते हैं। हर देश का राष्ट्रीय धन उसी देश की बैंकों में जमा हो सकता है। भारत का राष्ट्रीय धन भारत की बैंकों में जमा होगा, पाकिस्तान का पाकिस्तान की बैंकों में। ये नहीं हो सकता कि भारत का धन राष्ट्र का स्विट्जरलैंड में जमा हो जाए। तो इसका हमें लाभ उठाना है। हमें क्या करना है? या तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में हम मुकदमा करें भारत स्वाभिमान की तरफ से, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन कि ये 72,80,000 करोड़ जो गया 62 साल में ये भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, और कोर्ट में हम आसानी से इसे सिद्ध कर देंगे, इसमें देर नहीं लगेगी। क्यों? हम तो नेताओं की जन्म कुंडली कोर्ट के सामने रखेंगे कि देखो 15 साल पहले इनके पास क्या था अब क्या है, 10 साल पहले क्या था अब क्या है, 20 साल पहले क्या था अब क्या है, पूछ लो इनको बुला बुला के। और जो सही जवाब ना दे तो सबका नार्को टेस्ट करवा लो, उसमें तुम बताएंगे। आपको मैं एक सच्ची बात बताता हूं, आपने एक नाम सुना अब्दुल करीम तेलगी, वो एक आदमी ने 36,000 करोड़ का घोटाला किया, 36,000 स्टाम्प घोटाला। उसका नार्को टेस्ट हुआ, उसने 19 नेताओं के नाम बताए, 19, और उसमें से 3 तो ऐसे हैं जो इस समय केंद्र सरकार में मंत्री, इस समय 3 नाम तो ऐसे, और 11 नाम ऐसे हैं जो महाराष्ट्र की राज्य सरकार में मंत्री, 3 केंद्र सरकार में मंत्री और बाकी दूसरे नेता हैं।
तो अब्दुल करीम तेलगी ने सबके नाम बता दिए। अब सरकार की हालत खराब ये हो रही है कि उनको उजागर कैसे करें, क्योंकि सरकार उनके समर्थन से चल रही है। अब सरकार इंतजार कर रही है कि अब्दुल करीम तेलगी मर जाए। हाँ, सरकार ही प्रार्थना कर रही है कि ये मर जाए और मामला रफा दफा हो जाए, जिनके नाम है वो वहीं दबे रह जाएं, वो उजागर ना होने पाए। ये है स्थिति। तो मतलब कहने का ये है कि कोई अब्दुल करीम तेलगी 36,000 करोड़ का घोटाला तब कर पाता है जब उसको 19 नेताओं का समर्थन और सहयोग मिलता है। मतलब सीधी सी बात है कि इस देश में चोरी और डकैती करने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के बाद ही वो करते हैं, ऐसे ही नहीं होता। तो हम तो अब्दुल करीम तेलगी जैसे लोगों का नार्को टेस्ट करवा लेंगे तो सबके नाम निकल आएंगे, या इनका ही करवा देंगे तो सबके नाम निकल आएंगे। नाम निकालना कोई महत्व की बात नहीं है, महत्व की बात यह है कि इन्होंने जो लूटा हुआ धन है वो वापस आना चाहिए। वो देश का धन है, राष्ट्र का धन है, देश के हित में काम उसको होना चाहिए। तो इसके लिए एक रास्ता तो हमने अपना, हर साल 18-20 हजार करोड़ का नुकसान करते हैं, फिर हम माइका बेचते हैं उसमें भी यही नुकसान होता है। हम बहुत बड़े पैमाने पर हिन्दुस्तान से चूना पत्थर बेचते हैं। चूना पत्थर आप समझते हैं, कैल्शियम जिससे चूना बनाते हैं, दुनिया के देश हमसे खरीदते हैं क्योंकि उससे सीमेंट बनता है, उसमें भी यही नुकसान होता है। गेहूं बेचते हैं तो यही नुकसान होता है, बासमती चावल बेचते हैं तो यही नुकसान हमको होता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि बासमती चावल आप बाजार में खरीदें तो आपको 50 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगा। यही बासमती चावल रुपए का अवमूल्यन होने के कारण 2 रुपए किलो में चला जाता है अमेरिका, यही बासमती चावल। चीनी हम बनाते हैं इस देश में, दो तरह की चीनी बनती है, एक तो छोटे दाने की और एक बड़े क्यूब वाली जो चीनी होती है ना, बहुत महंगी होती है, 35-40 रुपए किलो की, लेकिन अवमूल्यन के कारण 6-7 रुपए किलो में ही बेचनी पड़ती है। हर साल हम जो निर्यात करते हैं ना उसमें लाखों करोड़ों रुपए का घाटा होता है। हमारा एक साल का निर्यात करीब 5,00,000 करोड़ रुपए का है इस समय। अगर रुपया और डॉलर बराबर हो तो यही निर्यात 250,00,000 करोड़ का होता है एक साल। इतना नुकसान हम उठा रहे हैं। तो ये नुकसान अब हम ज्यादा दिन नहीं उठाना चाहते। हम चाहते हैं कि रुपया और डॉलर बराबर हो जाए। रुपया और डॉलर कब बराबर होगा? जब हमने लिया हुआ विदेशी कर्ज चुका दिया। जिस दिन हम विदेशी कर्ज चुकाएंगे रुपया डॉलर बराबर हो जाएगा। रुपया डॉलर बराबर होते ही निर्यात की आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी और आयात का खर्चा 50 गुना घट जाएगा, और दोनों मिला दें तो ये देश तो 2-3 साल में ही सोने की चिड़िया हो जाएगा। चीन तो हमसे टक्कर नहीं ले पाएगा, इतना आगे हम निकल जाएंगे। आज दुनिया में ये कहा जाता है चीन सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है, अमेरिका भी चीन से अब पीछे रह गया है, हम चीन के आगे निकल जाएंगे क्योंकि हमारे पास ट्रेड सरप्लस होगा, डेफिसिट नहीं होगा। और कुछ बात बताता हूं, अगर रुपया डॉलर बराबर हुआ तो आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा? जो चीजें आप बाजार से खरीद रहे हैं सब सस्ती हो जाएंगी। जो डीजल आप इस समय खरीदते हैं 35 रुपए लीटर, ये हो जाएगा 10-12 रुपए लीटर। जो पेट्रोल आप खरीदते हैं 50 रुपए लीटर, ये हो जाएगा 17-18 रुपए लीटर। जो रसोई गैस का सिलेंडर आप लेते हैं 350 रुपए का, ये हो जाएगा 45 रुपए का। जिस लड़के या लड़की को इंजीनियरिंग पढ़ाने में आपका 2.5-3 लाख खर्च होता है वो 25,000 में ही इंजीनियरिंग पढ़ लेगा। जिसको मेडिकल के एग्जामिनेशन से लेकर डॉक्टर बनाने तक 5-7 लाख खर्च होता है वो मुश्किल से 50,000 के खर्चे में हो जाएगा। आप अगर दिल्ली से न्यूयॉर्क जाएं और न्यूयॉर्क से वापस दिल्ली आए, मुश्किल से 7-8 हजार रुपए में आपका किराया हो जाएगा, जो इस समय 90,000 तक खर्च होता है। सारी कीमतें गिरेंगी क्योंकि रुपए की कीमत बढ़ेगी, डॉलर की कीमत गिरेगी। और भारत की जो संपत्ति है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 गुनी ज्यादा हो जाएगी इसी कीमत पर, आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी हमें। सब चीजों में बढ़ोतरी होगी अगर रुपया
और डॉलर बराबर हो, और ये तब बराबर होगा जब हम कर्ज वापस करें। कर्ज वापस तब करेंगे जब 18 लाख करोड़ हमारी जेब में हो। ये आएगा कहां से? ये स्विस बैंक का पैसा वापस लाने के बाद ही आएगा। तो एक तो उस पैसे से कर्ज चुकाना है, दूसरा गांव का विकास करना है। गांव का विकास करने में 50 लाख करोड़ चाहिए, कर्ज देने में कम से कम हमको 18 लाख करोड़ चाहिए, तो करीब करीब आप समझ लो 68 लाख करोड़ 70 लाख करोड़ खर्च हो जाएगा। फिर भी हमारे पास करीब करीब 60 लाख करोड़ बचेगा, और उस 60 लाख करोड़ को अगर हम फिक्स डिपॉजिट में रख दें, भारत माता के नाम से फिक्स डिपॉजिट कर दें, और 10% का ब्याज उस पर मिलता रहे, तो साल का ब्याज करीब 6.5 लाख करोड़ का होगा। माने पूरा बजट हम बना सकेंगे बिना एक पैसा किसी पर टैक्स लगाए हुए, पूरी अर्थव्यवस्था को टैक्स फ्री कर सकते हैं, टैक्स सब हटा सकते हैं, इनकम टैक्स हटा सकते हैं, कॉरपोरेट टैक्स हटा सकते हैं, सेंट्रल एक्साइज हटा सकते हैं, सारे टैक्स खत्म कर सकते हैं, और टैक्स खत्म होते ही हर चीज 70% सस्ती हो जाएगी। जो पेन आपको अभी 10 रुपए का मिलता है ये 3 रुपए का हो जाए, जो घड़ी आपकी 300 रुपए की है ये 100 रुपए की हो जाए, हर चीज 60-70% सस्ती होगी टैक्स हटते ही। तो देश चलाने का खर्चा कहां से आएगा? टैक्स नहीं लगाएंगे। तो हमने बता दिया स्विस बैंक के बचे हुए पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रख दो, साल के ब्याज से ही देश चल जाएगा। और दूसरा एक रास्ता है अपने पास कि सब टैक्स खत्म कर दो, एक टैक्स लगाओ सिर्फ ट्रांजेक्शन टैक्स, और वो भी टोटल ट्रांजैक्शन का 2% सिर्फ। हमारे देश में बैंक में लेन देन होता है साल में, महीने में और हर दिन, चेक और ड्राफ्ट के द्वारा जो लेन देन है वो 1,25,000 करोड़ हर एक दिन का है, साल का लेन देन 400 लाख करोड़ का है। और कैश का लेन देन इसमें जोड़ दें तो वो चेक और ड्राफ्ट से ज्यादा, आपको मालूम है हम कैश में ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हैं चेक और ड्राफ्ट की तुलना, सारे काम हम कैश में करते हैं, सब्जी कैश में खरीदते हैं, अपने घर की नौकरानी को कैश में पैसा देते हैं, कोई चेक से नहीं देता, कोई ड्राफ्ट से देता है, नौकरों को नौकरानियों को सब कैश में देते हैं, सब्जी खरीदते हैं, दुकान पे जाते हैं, सब कैश में करते हैं, माने चेक से ज्यादा हमारा कैश का व्यवहार है। तो कैश के व्यवहार को या तो चेक में ले आओ या सारे व्यवहार को ओपन कर दो, व्हाइट कर दो। और ये व्हाइट कब हो जाएगा? आप इनकम टैक्स हटा दो, ये सारा व्यवहार अपने आप ओपन हो जाएगा, सब व्हाइट हो जाएगा। ये छुपाना तब पड़ता है जब इनकम टैक्स का डर रहता है। आप इनकम टैक्स हटा दो, डर खत्म हो जाएगा। इनकम टैक्स इसलिए भी हटाना जरूरी है कि अंग्रेजों के जमाने का लगाया हुआ टैक्स है, वो हमारा नहीं है। 1860 में अंग्रेजों ने ये टैक्स लाया था, और अंग्रेजों की योजना ये थी कि भारतवासियों से लूट लूट कर पैसा लंदन लेके जाना, इसलिए ये टैक्स उन्होंने लगाया था। अंग्रेजों ने टैक्स पता है कैसे लगाए थे? वो ये कहते थे कि भारत का आदमी कोई भी चीज का उत्पादन करे तो उसके उत्पादन पे ही टैक्स लगा दो, एक्साइज ड्यूटी। फिर उस उत्पादन को वो बेचने के लिए बाजार में जाए तो बेचने पे टैक्स लगा दो, सेल्स टैक्स। फिर बेचकर मुनाफा कमाए तो उसके मुनाफे पे टैक्स लगा दो, इनकम टैक्स। फिर उस सामान को एक गांव से दूसरे गांव में लेके जाए तो दोनों गांवों में टैक्स लगा दो, एक में एंट्री टैक्स एक में एग्जिट टैक्स। फिर अंग्रेजों की सड़क पर से लेके जाए तो वहां टैक्स लगा दो, टोल टैक्स। फिर ऑक्ट्रॉय लगा दो, ऐसे करके बीसियों टैक्स उन्होंने प्लान किए। आजादी के 62 साल के बाद ये टैक्स क्यों चलने चाहिए? क्योंकि अंग्रेजों ने तो लूटने के लिए लगाए थे, तो हम खत्म करना चाहते हैं। सारे टैक्स खत्म कर दो, हिंदुस्तान का हर आदमी ईमानदार हो जाएगा, क्योंकि बेईमानी इस देश के लोगों को टैक्स डिपार्टमेंट ने सिखाई है। इस देश का आदमी बेईमान नहीं है, ये तो इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सेल्स टैक्स के डिपार्टमेंट्स हैं और कानून हैं जो बेईमान बनाते हैं इस देश के लोगों को। आपने 100 रुपया कमाया, उसमें से 35 रुपए इनकम टैक्स में दे दिया तो 65 रुपए आपका व्हाइट है, नहीं दिया तो 100 रुपए ब्लैक है। रुपया तो रुपया है, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। ये तो कानून गलत है जो कुछ पैसे को व्हाइट कहता है, कुछ को ब्लैक कहता है। और इस कानून का दुष्चक्र पता है कितना खतरनाक हो गया है कि इस देश की अर्थव्यवस्था में जो कुल उत्पादन होता है, जिसको जीडीपी कहते हैं, जो 48 लाख करोड़ का है, उसका 70% हिस्सा ब्लैक इकोनॉमी में चलता है। 36 लाख करोड़ रुपए ब्लैक में चलता है, इस देश में घूमता है।
और लोग ब्लैक में ट्रांजैक्शन कर क्यों रहे हैं? इनकम टैक्स के डर के कारण। लोगों ने पैसा छुपा के क्यों रखा हुआ है? इनकम टैक्स के डर के कारण। हटा दो इनकम टैक्स, लोगों ने जितना पैसा छुपा के रखा हुआ है सब बाजार में आ जाएगा और सारा ट्रांजैक्शन वाइट में हो जाएगा। हर आदमी ईमानदार है और ईमानदारी से जीना चाहता है, टैक्स डिपार्टमेंट उसको ईमानदार नहीं रहने देता। हम चाहते हैं ये इनकम टैक्स खत्म हो जाए, सेंट्रल एक्साइज सब खत्म हो, ट्रांजैक्शन जो हो रहा है इस पर 2% टैक्स लगा दो, तो साल का एक इकट्ठा होता है रुपया 18,20,000 करोड़, जो इस समय के कलेक्शन से 3 गुना ज्यादा है। सारे टैक्स हम खत्म कर दें और 18,20,000 करोड़ हमें मिले तो हम तो बजट 18,20,000 करोड़ का बनाएंगे, अभी तो 10,00,000 करोड़ का बनता है। बिना किसी से भीख मांगे हुए, बिना किसी से दान मांगे हुए अपने पैरों पर इस देश को खड़ा करेंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, और जो स्वावलंबी होता है वही स्वाभिमानी हो सकता है। हमें एक स्वाभिमानी भारत का निर्माण करना है, इसीलिए भारत स्वाभिमान अभियान हमने शुरू किया है और इस स्वाभिमानी भारत के निर्माण का ये रास्ता है। अब आप बोलेंगे जी हम क्या करें, आप इसमें हमारी मदद करो तभी ये होगा, आपकी मदद के बिना नहीं होगा। हम अगर अकेले कर लेते इस काम को तो मैं हरिद्वार से 2000 किलोमीटर चल के आपके बीच में नहीं आता, अकेला अगर कर लेता मैं इस काम को, या स्वामी रामदेव जी कर लेते अकेले तो मैं नहीं आता, क्या जरूरत है? हम अकेले नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र में कोई भी काम करवाना हो तो बहुमत चाहिए, हमको इस काम के लिए बहुमत चाहिए। तो आप हमारा बहुमत बने, कैसे? हमारी ताकत बने। ताकत आप हमारी कैसे बनेंगे? हमारे इस अभियान में आप जुड़ जाएं। जुड़ने का रास्ता क्या है? बहुत सरल है। इस अभियान में सदस्य बनने के लिए एक फॉर्म है, वो भर दें। यहाँ की जो स्थानीय समिति है ना, होशंगाबाद की पतंजलि योग समिति, ये आपको फॉर्म दे देगी। भारत स्वाभिमान समिति से फॉर्म ले लीजिए, ये अजय भाई और ये सब लोग यहीं के संचालक हैं, इनसे फॉर्म ले लीजिए, भर के इनको दे दीजिए। उसमें कुछ मेंबरशिप फीस है, साधारण सदस्य बनना है तो 51 रूपये देना है बस, और असाधारण बनना है तो 1100 रूपये देना है। तो मेंबरशिप आप कर दीजिए तो हमें थोड़े फंड्स मिल जाएंगे काम करने के लिए और आप हमसे जुड़ जाएं। हमारी शक्ति जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी ये सब काम हम आसानी से करा लेंगे। क्यों? संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में संगठन की शक्ति ही बड़ी होती है। सतयुग जब होता हो तब राजा की शक्ति बड़ी होती थी, अब कलयुग में संगठन की शक्ति बड़ी है, तो हमें संगठन की शक्ति खड़ी करनी है। हमें 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ लोग ऐसे जमा करने हैं। हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों के पास कुल मिलाकर 4 करोड़ सदस्य हैं, सबके पास, बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, 48 पार्टियों के पास 4 करोड़ मेंबर हैं। हमारी कोशिश है कि 5 करोड़ हमारे पास हो जाएं, वो 48 एक तरफ हो जाएं तो भी हमारी लाइन उनसे बड़ी है। और जिस दिन 5 करोड़ हो जाएंगे तब इनकी नाक में हम नकेल डाल देंगे। ये सब वही करेंगे जो हम कहेंगे, कुछ और कर ही नहीं सकते। हम डिक्टेशन देंगे और ये नियम बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे। ऐसी स्थिति हम इस देश में लाना चाहते हैं। सरकार किसी की भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी की या कांग्रेस की, हम बताएंगे ये कानून बनाओ तो वो बनाएंगे, हम कहेंगे ऐसी नीति चलाओ तो वो चलाएंगे, नहीं चलाएंगे कान पकड़ के उतारेंगे, दूसरे को बिठाएंगे, हम नहीं बैठेंगे वहां जाकर। भारत स्वाभिमान का स्पष्ट कहना है कि हमें सत्ता और सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन हमारा दूसरा भी स्पष्ट कहना है कि सत्ता और सिंहासन पर बैठे हुए लोग अगर इसी मद में चूर रहें, लूटते रहें, घोटाले करते रहें, भ्रष्टाचार करते रहें, तो एक मिनट उनको चैन की नींद सोने नहीं देंगे हम। वो अब खबरदार हो जाएं और सावधान हो जाएं।
इसी के लिए ये सारा अभियान है। तो आप हमारे संगठन से जुड़िए, थोड़ी हमारी ताकत बड़ी होगी और इस ताकत की ताकत पर या इसके दम पर ये काम हमें करना है पूरे देश में। और एक छोटी सी अपील कहकर मैं खत्म करता हूं मेरी बात को, फिर आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी एक काम करें, उससे भी देश को थोड़ा फायदा हो जाए तो अच्छा है। ये तो हम सार्वजनिक जीवन में जो करेंगे वो बात मैंने कही, आपके व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा बदलाव करें, थोड़ा चेंज करें इस देश के फायदे के लिए। क्या बदलाव करें आप पूछेंगे, तो सीधी सी बात है, कर्ज बहुत है देश पे। अब जब ज्यादा कर्ज हो जाता है किसी देश पे तो क्या करना चाहिए? इसको ऐसे सोचने की कोशिश करिए, हमारे घर पर बहुत कर्ज हो गया, अब हम क्या करें? तो हम दो ही काम करेंगे, या तो घर के खर्चे घटाएंगे या घर की आमदनी बढ़ाएंगे, दो ही काम करेंगे ना। घर के ऊपर अगर कर्ज बढ़ता है तो घर के खर्चे घटाते हैं और आमदनी बढ़ाते हैं। तो देश हमारा बड़ा घर है, इसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, तो देश के खर्चे घटाइए और देश की आमदनी बढ़ाइए। ये मेरी आपसे व्यक्तिगत अपील है। तो आप बोलेंगे इसके लिए क्या करें, इसके लिए अपनी जिंदगी में थोड़ा बदलाव करिए, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। देश का खर्चा घटाना माने एक एक देश का नागरिक उसका खर्चा घटाना। तो कहां से खर्चा घटेगा? तो आप अपनी जिंदगी को सवेरे से शाम तक देखिए, आप क्या क्या फालतू खर्चा ऐसा कर रहे हैं जिसको बचाया जा सकता है, फालतू खर्चा क्या क्या कर रहे हैं? तो मैं आपको बता सकता हूं क्या क्या फालतू खर्चा आप कर रहे हैं जिसके बिना आपका जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है। ना खर्च करें वो पैसा तो भी जीवन चल सकता है। सबसे बड़ा फालतू खर्चा ये जो देश कर रहा है चाय पीने में। सवेरे से लेकर शाम तक हम जितनी चाय पी जाते हैं एक साल में वो 70 करोड़ किलोग्राम होती है, और एक किलो चाय 150 रुपए की आती है। तो 70 करोड़ किलोग्राम चाय को गुणा करेंगे तो 90,000 करोड़ से ऊपर का बिल बैठता है चाय पीने का इस देश का। ऐसे मूर्ख लोग हैं इस देश में, उठते ही चाय। हाँ, कुछ भी काम बाद में करेंगे चाय पहले पियेंगे, संडास और टट्टी भी बाद में जाएंगे चाय पहले पियेंगे। कहते हैं टट्टी उतरती नहीं बिना चाय पिए, उठते ही चाय पीते और सोते चाय। और सरकारी और दफ्तरों में तो चाय के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जब कभी चले जाओ, कहां गया भाई आदमी, चाय पीने गया, कहां गया चाय पीने गया। सारे रिश्वत के काम चाय के नाम पर, सारे घूसखोरी के काम चाय के नाम पर, चाय पीने चलो दे दो पैसे। वो कहते हैं ना, कोई भी कर्मचारी कहेगा जी चाय पीने चलो, समझ लो पैसे मांग रहा है। तो खर्चा पानी सब चाय के नाम पर, ये चाय बंद करो। और ये चाय इसलिए बंद करो कि ये हिंदुस्तानी नहीं है, अंग्रेजों की लाई हुई है। अंग्रेजों के पहले इस देश में कोई चाय पीता नहीं था, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं चाय पीने की। चाय तो गर्म देश के, सॉरी ठंडे देश के लोगों को पीने की चीज है, क्योंकि गर्मी लाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। और ठंडे देश तो यूरोप और अमेरिका और कनाडा के हैं, हम तो गर्म देश वाले हैं, हम क्यों पिए? हम तो दूध पिए, दही पिए, लस्सी पिए, छाछ पिए, मट्ठा पिए, नींबू की शिकंजी पिए, नारियल का पानी पिए, संतरे का रस पिए, मौसमी का रस पिए। अपने पास तो पीने के लिए इतनी चीजें हैं, हमको क्यों पीना चाहिए? आयुर्वेद में चाय निषिद्ध है आपको मालूम, और आप इसे बार बार पीते हैं तो बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान है कि पेट की एसिडिटी बढ़ाती है, अम्लता बढ़ाती है। चाय में केमिकल जितने भी हैं वो सब एसिडिक हैं, और पेट की अम्लता बढ़ेगी तो खून की अम्लता बढ़ेगी, रक्त की एसिडिटी बढ़ेगी तो रक्त में फिर 80 तरह के रोग पैदा होंगे, और उन रोगों से लड़ने के लिए फिर आपको और 1000 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। तो चाय पियो, उसमें 70,000-90,000 करोड़ खर्च हो, फिर चाय से जो रोग पैदा हो उसमें और 1000 करोड़ खर्च हो। क्यों फालतू खर्च कर रहे हैं? बंद कर दो, जरूरत नहीं है इसको पीने। और ये नशा है, रोज पियो, फिर एक दिन ना पियो तो सिर में दर्द होता है, नशा है बिल्कुल, ये शराब की तरह का। बंद करो इसको, आप मत पियो, किसी मेहमान को भी मत पिलाओ। हाँ, जो आप नहीं करो तो मेहमान को क्यों करवाना? तो फिर आप बोलोगे फिर क्या करें, विकल्प मैं बताता हूं, दूध पियो। मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि 90,000 करोड़ की जो हम चाय पी रहे हैं, इतने ही करोड़ का दूध पी लें 90,000 करोड़ का, तो देश की तो दशा ही बदल जाएगी।
90,000 करोड़ का दूध पिएंगे तो 20 करोड़ गाय पालनी पड़ेगी, तब इतना दूध आएगा। और जो 20 करोड़ गाय पालनी पड़े तो गाय का कत्ल आज और अभी से बंद कराना पड़ेगा, तभी 20 करोड़ गाय बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। तो कत्ल होने के लिए जो गाय जा रही है ये रुक जाएगी, और ये जो गाय 20 करोड़ हो गई, हर गाय साल में कम से कम एक बछड़ा या एक बछिया देती है, तो कितने बैल हो जाएंगे, और इतने बैल हो गए तो खेती के काम आएंगे, तो ट्रैक्टर खत्म हो जाएगा, डीजल का खर्चा पूरी तरह से बंद हो जाएगा किसानों का। और जो बैल और गाय बढ़ गए तो गोबर बहुत हो जाएगा, और गोबर इतना हो जाएगा कि हर खेत में डालने के लिए मिल जाएगा, यूरिया खरीदना नहीं पड़ेगा, डीएपी डालना नहीं पड़ेगा। यूरिया डीएपी का 4,80,000 करोड़ का खर्चा बच जाएगा। और जो गाय बैल बहुत हो गए तो उनका मूत्र भी बहुत होगा, उस मूत्र को इकट्ठा करके छिड़कते रहें तो फसल पे कीड़े नहीं आएंगे, तो कीड़े मारने की जो दवाएं डालनी पड़ती हैं, एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये सब बंद हो जाएंगी, इसका 2,00,000 करोड़ और बच जाएगा देश को। कितने फायदे हैं देखो आप, बस एक काम करो, चाय मत पियो, दूध पियो, दूध एक कप दूध पी लो, और आप दूध पियोगे तो पैसा किसी किसान के ही हाथ जाने वाला है, चाय पियोगे तो पैसा ब्रुकबॉन्ड कंपनी के हाथ जाएगा, लिप्टन के हाथ जाएगा, टी सिटी के हाथ जाएगा, गॉडफ्रे फिलिप्स के, ये सब विदेशी कंपनियां हैं, लूट के पैसा अपने देश में ले जाएंगी। हम वही ठनठन गोपाल, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूटती थी, अब ये लूटेंगे, तो बंद कर दो आप इसे, तुरंत बंद कर दो। फिर पीना क्या है, दूध पी लो, जिनको दूध अच्छा नहीं लगता वो नींबू की शिकंजी पी लें, नारियल का पानी पी लें, संतरे का रस पी लें, मौसम्बी का रस पी लें, और कुछ नहीं अच्छा लगता तो पानी को खूब गर्म करके चाय की तरह से पी लें, पानी ही पी लो चाय की तरह से, तुलसी की पत्ती डाल लो, अदरक डाल लो। परम पूजनीय स्वामी जी ने एक फॉर्मूले से एक दिव्य पेय बनाया, वो पी लो, चाय से अच्छा है वो, हृदयघात के रोगियों के लिए भी, ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए भी, डायबिटिक लोगों सबके लिए अच्छा है। और उसका एक फायदा और है कि चाय पी के जो जहर इकट्ठा हो गया वो जहर को फ्लश आउट करके बाहर निकाल देता है दिव्य पे, तो वो ही पी लो, उसको पियोगे तो पैसा हमारे ट्रस्ट में आएगा, हमारा ट्रस्ट यही काम करने वाला है, कुछ और नहीं करने वाला है। तो आप तो बंद कर दो कल से, कोशिश करो, आपका जीवन बदलना शुरू होगा देश के लिए, हम बदल रहे हैं देश के लिए, यहां से शुरू करो। दूसरा एक बदलाव और हो जाए तो बहुत अच्छा है, फालतू का एकदम खर्चा हम करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और दारू का फालतू खर्चा, 20,000 करोड़ रुपए हम बर्बाद कर देते हैं। एक गुटखे का पाउच है 4-5 रुपए का, मुश्किल से उसमें 10 ग्राम निकलता है, अब तो 5 ग्राम ही हो गया है, 10 ग्राम 8-9 रुपए का, माने 1,000 रुपए किलो का हम गुटखा घटकते हैं, 200 रुपए किलो का काजू खा लो, 300 रुपए किलो का बादाम खा लो, 1,000 रुपए किलो का गुटखा क्यों खा रहे हो, और गुटखा खा के गाल गलेगा, कैंसर होगा, मरोगे आप सब। 20 लाख लोग मरते हैं हर साल इस देश में कैंसर से, गुटखा खा के, बीड़ी पी के, सिगरेट पी के। बंद करो ये भी फालतू खर्चा, बीड़ी का, सिगरेट का, गुटखा का, दारू का, शराब का, बंद करो ये खर्चा, बचाओ। फिर वो आप बोलोगे जी छूटता नहीं है, छोड़ने के तरीके मैं बता सकता हूं, गुटखा जो किसी का छुड़ाना हो तो उसकी सबसे अच्छी दवा है अदरक, अदरक है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, उसमें नींबू का रस मिलाओ, थोड़ा नमक मिलाओ और धूप में सुखा लो, सुखा के जेब में भर के रखो, जब भी गुटखा खाने की तलब लगे अदरक का एक टुकड़ा मुंह में रखे चूसो, चूसते रहो, चबाना नहीं, गुटखा खाने की याद ही नहीं आएगी। बहुत सरल है, बहुत आसान। ऐसे बीड़ी सिगरेट छोड़ना है तो उसमें भी अदरक काम आता है, शराब छोड़नी है तो भी काम आता है। अदरक में है क्या, एक केमिकल है उसका नाम है सल्फर, ये व्यसन करने वालों के शरीर में सल्फर बहुत कम हो जाता है तो इसकी तलब लगती है बाहर से पूर्ति करने के लिए, तो वो अदरक से पूर्ति कर लो। एक टूथपेस्ट 30 रुपए का 100 ग्राम आता है, 300 रुपए किलो, अब 300 रुपए किलो का पेस्ट रगड़ते हैं
और थूकते हैं उसको। 200 रुपए किलो का घी रोटी पे लगा के खाते हैं, 300